हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग है, मैं स्टार्ट दोपहर से कपड़े वॉश कर रही हूं अभी। और मैं ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बोलूंगी, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोग। एंड अभी मेरे कपड़े वॉश हो रहे हैं, थोड़े से कपड़े थे तो वॉश हो चुके हैं। सर्फ वाला जो पानी है ना, वो गिर चुका है। एंड उसके बाद मैंने मशीन में डाला है पानी, जो नॉर्मल पानी है उसको डाल के फिर से मैं उसको अच्छे से स्पिन कर रही हूँ एक बार। एंड उसके बाद ये पानी गिराऊंगी एंड उसके बाद फिर से दूसरा पानी डाल के कपड़े स्पिन कर दूंगी। कई बार कपड़े धोने के टाइम ऐसा हो जाता है ना कि सारे कपड़े एक दूसरे में फंस जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी हो गया है। इसमें मैंने टॉवेल और एक मैंने चादर भी डाला था, तो ये सारे ना एक दूसरे से फंस गए हैं, तो थोड़ा सा निकालने में टाइम लगता है। और बस ये पानी से निकाल निकाल के और मैं स्पिन करने के लिए डाल दे रही हूँ। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और जस्ट मैं अभी कपड़े वॉश कर रही थी, दोपहर का टाइम है, दोपहर से आज मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी टाइम हो गए हैं 2:30 बजने वाले, और 2:30 बजे से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बिकॉज ऊपर से ना स्पॉश की तबीयत खराब थी, इतना ज्यादा वो परेशान कर रहा था, और बस मैं ससुराल में आ गई हूँ तो मैंने सूट डालना स्टार्ट कर लिया है। तो ये सारे सूट मैं यहीं पे रख के गई थी और बस कपड़े स्पिन हो रहे हैं। मैंने वॉश कर दिया था, थोड़े से कपड़े थे आज का जो कपड़े निकले थे ना, वही सारे थे। थोड़े से स्पर्श के एक दो हैं और मेरे हैं। इतना ज्यादा परेशान किया, मैं ब्लॉग्स नहीं बनाए, सोची कि चलो अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर ठीक रही उसकी तबीयत तो आज मैं एंड कर दूंगी ब्लॉग, नहीं तो मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगी। चलिए, कपड़े तो वॉश हो चुके और स्पिन भी हो चुका है, तो बस अब मैं इसको बंद कर दे रही हूँ। हे गाइस, अभी मैं जस्ट फ्री होके बैठी थी और मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे आया हुआ है एक गिफ्ट हैम्पर और मैं वही चीज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो बनाने में, बिकॉज मैं चली गई थी मायके, और ये जो कुरियर है ये मुझे ससुराल में रिसीव हुआ था, तो ये यहीं पे रखा हुआ था। तो फिर मैं यहाँ पे आई तब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड मुझे आया हुआ है प्लम की तरफ से गिफ्ट, तो ये है वो गिफ्ट हैम्पर। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि उन्होंने मुझे ये गिफ्ट हैम्पर भेजा है। और एक्चुअली दिवाली का टाइम ही आने वाला था लेकिन काफी ज्यादा लेट हो गया, एड्रेस वगैरह ना देने में थोड़ा सा इधर उधर सा हो गया था, क्योंकि मैं एक जगह तो थी नहीं, कभी यहाँ कभी वहां। तो ये है वो गिफ्ट है, तो इसको मैं आप लोग के सामने अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ कि इसमें है क्या। तो इस तरह से कुछ पैकेजिंग है और ये प्लम यहाँ पे लिखा हुआ इतना बड़ा है, इसमें कुछ प्रोडक्ट है। तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो कुछ पैकेजिंग इसकी इस तरीके से है और इसमें कुछ प्रोडक्ट है प्लम के, तो ये देखिए इसमें है। तो मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसमें है क्या क्या। तो इसमें कुछ है प्लम की तरफ से, मुझे कुछ आया है स्किन केयर गिफ्ट, और ये इसमें है चार प्रोडक्ट है टोटल, और ये जो चारों प्रोडक्ट है ये प्लम के हैं। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास आया हुआ है एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, स्किन टोनर एंड एक है फेस पैक। तो ये सारा स्किन केयर प्रोडक्ट है और मैं काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि उन लोगों ने मुझे ये प्रोडक्ट भेजा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी फेस वॉश के बारे में। तो फेस वॉश ये है प्लम का, और ये भी है ग्रीन, और ये है प्लम का ग्रीन टी प्योर क्लींजिंग फेस वॉश। इसका सारा कुछ मेंशन है, प्राइस मैं स्क्रीन पे दे दूंगी कि इसकी प्राइस क्या है, और कुछ इस तरीके से है। अगर मैं इसको यूज करूंगी तो आप लोग के साथ इसका रिजल्ट क्या है इसका मैं रिव्यू भी आप लोग के साथ आगे शेयर करूंगी। तो ये फेस वॉश है, उसके बाद है ये मॉइस्चराइजर। तो मॉइस्चराइजर की जो पैकेजिंग है ना, ये भी काफी अच्छी है, एंड प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, इसकी प्राइस भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके से है कुछ मॉइस्चराइजर, एंड काफी ज्यादा पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है।
एंड उसके बाद मैं बता दूं ये है स्किन टोनर, तो ये भी प्लम का है, प्लम ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर। एंड उसके बाद मेरे पास है बी गुड, प्लम की तरफ से ही एक है ग्रीन टी क्लियर फेस मास्क। तो जितना जितने भी प्रोडक्ट है ना सारे ग्रीन टी वाले ही हैं, एंड मैं इसकी प्राइस मेंशन कर दूंगी एंड मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप लोग को लेना हो तो आप लोग वहां से ले सकते हैं। और वैसे भी आप सब लोगों को पता है कि प्लम के प्रोडक्ट कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, तो इस तरीके से है ये फेस मास्क। तो मैं आगे की आज के बाद से जो भी मेरी स्किन केयर रूटीन है ना मैं इसी को फॉलो करने वाली हूँ। और मैं प्लम को थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगी बिकॉज उन लोगों ने इतना प्यारा सा मेरे को गिफ्ट हैम्पर भेजा। चलिए मिलती हूँ थोड़ा टाइम, और मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर, और मैं बाहर मम्मी ने बताया था ना कि बाहर साइड में हमारे घर में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और जैसे मम्मी पापा जब रहते हैं ना तो उन लोग का जब मन नहीं लगता है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों से दिखाऊंगी मम्मी कुछ छोटी छोटी चीजें। मैंने कुछ दिन पहले बताया था पहले वाले ब्लॉग्स में कि मम्मी ने कॉर्न लगाया था, और कॉर्न जब गैस पे पका रही थी ना उस टाइम पे मैं दिखाई थी, लेकिन वहां के पौधे वगैरह मैं आप लोगों को शेयर नहीं गई थी, नहीं दिखाई थी। तो चलिए आज मैं आने के बाद में फर्स्ट टाइम उधर जाने वाली हूँ, क्योंकि तो थोड़ा सा घर से बरामदे से होके ही जाते हैं, तो यहाँ पे मम्मी जा रही है, स्पर्श जा रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं ना तो जब हम बाहर जाते हैं तो सर पे से थोड़ा सा पल्लू हम जरूर ले लेते हैं, तो बस मैं वही पल्लू ले ले रही हूँ क्योंकि बहू हूँ यहाँ की, तो बहू के फर्ज भी निभाने पड़ते हैं मेरे को। चलिए फिर बाहर चलती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी बाहर को, और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मम्मी ने क्या क्या लगाया है। तो यहाँ पे ये जो है ना ये है बैंगन का पौधा, और यहाँ पे छोटे छोटे बैंगन के फल भी आए हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे देख के। और देखिए इसमें से यहाँ पे थ्री यहाँ पे दिख रहे हैं, टू एक पास हैं एंड इधर भी एक दो है, तो ये ऊपर में फ्लावर भी आए हुए हैं, उसके बाद इसमें बैंगन आएगा। तो फिलहाल इसमें से अभी तोड़ा नहीं किया है। एंड अरबी का पत्ता मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें से हमारे घर में बहुत सारे पकौड़े हमेशा बनते रहते हैं, तो ये देखिए कट करा भी हुआ है। एंड यहाँ पे है कड़ी पत्ता, एक है पपीता का पौधा है तो अभी छोटा ही है। एंड दूसरी साइड में यहाँ पे पालक, मम्मी ने बताया ये पालक है, एंड ये भी शायद बैंगन ही है, शायद बैंगन है। एंड ये जो मिट्टी में ना मम्मी ने छोटे छोटे लहसुन का पौधा भी लगाया हुआ है, धनिया पौधा भी लगाया हुआ है, तो धनिया पौधा भी निकला नहीं है, तो बस वो निकलने वाला है। और ये पता नहीं छोटा छोटा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया ये। तो ये बैंगन ही था, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पे चारपाई लगा हुआ था, और पीछे वहाँ पे कुछ सामान वामान दिख रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना उसी का है वो। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्लिप और ले लिया क्योंकि मुझे ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इधर ये मिट्टी है, तो थोड़ी सी ज़मीन है जिसमें ये सारे पौधे लगाए जाते हैं, और काफ़ी अच्छा फ्लावर वगैरह भी लगाए जाते हैं, बट इस टाइम पे फ्लावर नहीं है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चलने लगी है, तो मैं यहाँ पे बैठी थी, ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि ठंड वाले ना मौसम भी आ चुकी है। यहाँ पे अरबी का पत्ता देखिए दूर से कितनी दूर में लगाया गया है, एंड ये है फ्लावर। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ तुलसी माता का पौधा, तो ये भी हमारे घर में ना दरवाजे के पास है, एक्चुअली ये बरामदे के पास में आ गई थी। एंड ये कितना ज़्यादा घना है, और इसमें काफ़ी अच्छे थे, इसी में से डेली सुबह सुबह ना हमारे घर में ना तुलसी वाली चाय बनती है, और उसके बाद पूजा भी किया जाता है। यहाँ पे फ्लावर वगैरह सब कुछ है, तो इसके बाद मैं जा रही हूँ अभी अंदर को क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठ ली थी 5 मिनट, और बस अभी ये बरामदे का सीन है जहाँ पर मैं जा रही हूँ, एंड उसके बाद इंटर करूँगी अंदर को। मैं बाहर देख रही थी मेरे को गेट बजाना, मेरे को लगा कोई आया हुआ है, और बस मैं अभी आ गई हूँ बाहर से। और मैंने आपको दिखाया बाहर बहुत ही अच्छी अच्छी जो मम्मी पापा ने प्लांट लगा रखे हैं, बैंगन के पौधे हैं, और अभी पालक का भी लगा हुआ है, एंड तुलसी के पौधे भी मैंने दिखाया, थोड़ा थोड़ा फ्लावर भी है। तो ये सारी कड़ी पत्ते हैं, अरबी के पत्ते मैंने आपको दिखाए ना बहुत सारे, इसलिए हमारे घर में इतने अरबी के पकौड़े बनते हैं। और बस मैं अभी दरवाजे के पास ही खड़ी हूँ, यहाँ पे दरवाजा हमारा गेट है वहाँ पे, और बस मैं चलिए अभी अंदर जा रही हूँ। और पता है यहाँ पे स्पर्श अभी मम्मी के साथ बाहर ही रह गया है, वो वहाँ पे बाहर एक चारपाई लगा हुआ था वहीं पे वो खेल रहा था, उस पे सोया हुआ है, लेटा हुआ है। तो चलिए फिर मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और अभी मुझे शाम का ना घर में झाड़ू लगाना है, और मैं नहीं लगा पाई थी सुबह, तो इस टाइम जा रही हूँ अभी झाड़ू वाड़ू जो भी लगाना है घर में वो मैं लगा देती हूँ, उसके बाद फिर अभी तो बहुत टाइम है खाना वाना बनाने में, तो उसके बाद मैं दूसरा काम वाम करूंगी। चलिए थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह घर की कर लेते हैं।
यहाँ मैं स्पर्श को देख रही थी दरवाजे से बाहर, क्योंकि वो बाहर खेल रहा था और यहाँ से मैं झाड़ू, एक्चुअली मैं बताई थी थोड़ी देर पहले कि मैं सुबह झाड़ू, एक्चुअली दोपहर में झाड़ू नहीं लगाई थी क्योंकि मैं 11 बजे के आसपास ना झाड़ू लगाती हूँ घर में, तो वो वाली झाड़ू मैं नहीं लगाई थी, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया। और स्पर्श जहाँ रहता है वहाँ गंदा तो करेगा ही, उसका हाल तो आपको पता ही है। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किचन को भी मैंने सफाई कर ली है, किचन में भी झाड़ू लगाना था। एंड आजकल किचन में मम्मी ना मैट बिछा के रखती हैं, तो उनको ना थोड़ा सा ज़मीन पे बैठने की आदत है, मतलब काम वाम करने में ना उनको इजी हो जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी ये पाव रोटी सेकने के लिए, तो शाम वाली चाय के साथ ब्रेड या फिर बिस्किट ज़्यादा फ्रिज में रखा हुआ था, थोड़ा ज़्यादा करने के लिए ना बनी हमारे घर में चाय था, क्योंकि फ्रिज में आजकल कुछ भी फ्रिज से निकाल के खाओ गला बहुत जल्दी पकड़ लेता है, तो इसी वजह से ना ये सब थोड़ा बहुत सेकना पड़ता है और मेरा गला कुछ जल्दी पकड़ लेता है, मतलब खराश हो जाती है मतलब ठंड की वजह से। और यहाँ पे चाय भी बन चुकी है, तो चाय और ये सब हम लोग ले जाएंगे खाने के लिए। एंड नमकीन भी मैंने निकाल रखे हूँ, तो मम्मी को नमकीन निकाली हूँ एंड मैं ये वाली ब्रेड खाऊंगी। यहाँ देखिए टोस्ट और चाय शाम की, तो बस हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं चाय। एंड उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी, डिनर में बनाने वाली हूँ बीन्स की सब्जी। और ये सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, खाना सबके लिए निकल चुका है एंड मैं अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। पापा खा चुके हैं, ये मम्मी भी खा चुकी हैं, तो यहाँ पे मैं दो थाली रखी हूँ क्योंकि मुझे स्पर्श के लिए निकालना है, तो स्पर्श के लिए तो मैं थोड़ा सा ही सब्जी निकालूँगी, क्योंकि स्पर्श पहले ना थोड़ा सा खाया था, तो ये बस मैं खाना निकाल ले रही हूँ, उसके बाद हम करेंगे डिनर। तो गाइस चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।